मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के उस शहीदी धरती पे मौजूद हूँ जहाँ पर डॉक्टर सीपीजन राय की नेतृत्व में 8 लोग शहीद हुए थे। इसी मोहम्मदाबाद तहसील के क्षेत्रा अधिकारी श्याम बहादुर सिंह, जब भी कुछ दिनों पहले यहाँ चार्ज में लिया है इन्होंने आपसे, और इस कल 10 जुलाई को मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार ईद उल ज़ुहा है, ऐसे ही मौके पे क्या आपने तैयारियां की हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और G72 न्यूज़ के माध्यम से पूरी जनता को, आवाम को संदेश जो देना चाहते हैं आपके माध्यम से। 24 जून को क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के पद पर मैं कार्यभार ग्रहण किया हूँ। ये मेरा पहला महत्वपूर्ण त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार। हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमारे सर्किल में 4 थाने आते हैं, मोहम्मदाबाद, भावरकोर, निजामुद्दीन, करीमुद्दीनपुर और बरेसर। आज मैं तथा उप जिलाधिकारी महोदय के साथ थाना मोहम्मदाबाद में तहसील थाना दिवस की मीटिंग किया। थाना दिवस के पश्चात कस्बा मोहम्मदाबाद में एक रैली निकाली मोटरसाइकिल से, इसका पैदल गश्त करके लोगों को संदेश दिया, जानवर कुर्बानी नहीं होगी, जो आप कुर्बानी करेंगे अपने घरों में करेंगे उसका मलबा जो भी निकलेगा उसको आप वहीं पर दफन कर देंगे। हमारे हिंदू भाई, उनसे भी मैंने अपील किया है कि आप लोग इनके त्यौहार में इनका सहयोग करें, जिससे आने वाला सावन मेला के दौरान जो कांवड़ की यात्रा होगी उसमें इनसे भी आपको सहयोग मिले। इसी तरह का भ्रमण का कार्यक्रम मेरे निर्देशन तथा उप जिलाधिकारी के निर्देशन में भावरकोल में नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद के साथ थानाध्यक्ष भावरकोल द्वारा मिश्रित आबादी के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया तथा मोहल्लों में वार्ता की गई। थानाध्यक्ष कर्मी दुइनपुर द्वारा तहसीलदार मोहम्मदाबाद के साथ महीन गांव में लोगों से संपर्क किया गया तथा उनको आश्वस्त किया गया कि अपना त्यौहार सकुशल अच्छी तरह से मनाएं और मलबे को जहां आप कुर्बानी दे रहे हैं वहीं पर दफन कर दें, बाहर की उसको न जाने दें जिससे किसी दूसरे की भावना को ठेस न पहुँचे। थाना बरेसर क्षेत्र में नायब तहसीलदार कासिमाबाद तथा थाना तहसील बरेसर द्वारा जहूराबाद तथा अन्य मिश्रित आबादी के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और वहाँ भी इसी तरह का संदेश आम जनता को दिया गया है। मेरी पुलिस, कई पार्टियाँ, हर थाना क्षेत्र मैंने मोबाइल किया। मैं स्वयं सुबह 6:30 बजे क्षेत्र भ्रमण पर निकल जाऊँगा। मेरे सभी थाना प्रभारी भी सुबह 6 बजे ही भ्रमण पर निकलेंगे। मेरे द्वारा एक पार्टी सुबह 4 बजे भी निकाली जाएगी, जो सभी जो आपके मस्जिद हैं, ईदगाह हैं, वहाँ पर भ्रमण करके देखेंगी कि कोई ऐसी बस तो नहीं है जिससे लोगों के बीच में देश भावना पैदा हो। इसके लिए मैं एक पार्टी अलग से वो 4 बजे मैं निकालूंगा। आज रात्रि में भी मेरी PRB की सारी गाड़ियाँ भ्रमण पर रहेंगी और इस पर विशेष दृष्टि रखेंगी। धन्यवाद। देखा आपने, इस तरह तौर पर आपने बातें बताई और मुझे यकीन है कि जिस ढंग से आपने अपना प्रोग्राम चेकआउट किया है, यकीनन ईद उज़ुहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटेगा। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्वक ढंग से सभी भाई मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं। G72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद, कैमरामैन नाजिम रजा के साथ।